नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हो चुका है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, तमाम कर्मियों को जो है कि राहत देते हुए उनके वेतन में बम्पर वृद्धि करने का पत्र केंद्र की मोदी सरकार ने जारी किया है। इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका कर्मी, रसोईया, ANM और साथ ही साथ संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो है कि आइए आपको खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते हैं सारी खबर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोईया सहित सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी के वेतन वृद्धि हेतु मोदी सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। 12 पन्नों का यह महत्वपूर्ण पत्र केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें देश के सभी महिला कर्मियों सहित संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समायोजन सहित 62 वर्ष सेवा, स्थायी वेतनमान, ग्रेजुएटी और महंगाई भत्ता एवं नई दरों के अनुरूप TADA कर्मचारी भविष्य निधि EPFESI की कटौती के साथ साथ सातवां वेतनमान के तहत दिए जाने वाले यात्रा भत्ता, मेडिकल भत्ता, मोबाइल भत्ता, महंगाई भत्ता एवं रिटायरमेंट पेंशन आदि को दिए जाने की पूरी प्रक्रिया जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ने निर्धारित कर दी है। और जो है कि आपको बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ने एक साथ सभी महिलाओं, कर्मियों एवं देश में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मी के समस्याओं के अस्थाई समाधान निकालने हेतु 12 पन्नों का जो है कि गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसके आधार पर महिला कर्मियों सहित संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और जो है कि तमाम जो संविदा आदि अवर्गीकृत सेवानिवृत्त हो चुकी और सेवारत सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं पर लागू होगा। यह आदेश सभी केंद्रों पर कार्यरत कार्य कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर लागू होगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति यदि संघ केंद्र सरकार को देता है तो 4 माह में केंद्र सरकार को भी लागू करना होगा। इस आदेश का 7वां पैरा यह कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और कोड ऑफ वेजेस 2019 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। आंगनबाड़ी कर्मी जो काम कर रहे हैं उनके सेवा समायोजन के साथ ही वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी भत्ता और रिटायरमेंट सहित तरह तरह की दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख पत्र में विस्तृत रूप से किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय डिपार्टमेंट ने 12 पन्नों के अपने पत्र में महिला कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी को बड़ी राहत प्रदान करने वाला पत्र केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राज्य सरकारों सहित सभी चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को जारी कर दिया है। और जो है कि प्रेषित करते हुए कहा है कि महिला कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का तत्काल प्रभाव से वेतन वृद्धि एवं जो है कि तत्काल प्रभाव से सेवा समायोजन किया जाए एवं सेवा काल 62 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया जाए। और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि कर्मियों को रिटायरमेंट के साथ साथ NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना के तहत रिटायरमेंट के उपरांत 6,000 रुपया NPS की राशि केंद्र व राज्य सरकारों के संयुक्त कोष से भुगतान किया जा सके। तो यह महत्वपूर्ण पत्र केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय विभाग यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से तमाम राज्यों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, महिला कर्मी और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोईया को जो है कि ध्यान में रखते हुए नई दरों के अनुरूप वेतन और मानदेय का निर्धारण करने हेतु जारी किया गया है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे उसमें जो है कि आउटसोर्स कर्मी को तत्काल प्रभाव से सेवा समायोजन किया जाना, सेवा काल 62 वर्ष किए जाने का जो है कि प्रावधान करने की बात का उल्लेख है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि कर्मियों को रिटायरमेंट के साथ ही NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना के तहत
6,000 रुपया पेंशन मुहैया करवाई जाए और एनपीएस की राशि केंद्र व राज्य सरकारों की संयुक्त कोष से भुगतान किया जाए। यह जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो कि केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार की जो स्कीम है, मोदी सरकार की जो कर्मियों के प्रति जो उनकी सोच है, कर्मियों के जीवन में जो सुधार लाने का कार्य जो है कि केंद्र सरकार कर रही है, उसके तहत यह गाइडलाइंस जारी हुए हैं जो कि तमाम राज्यों पर प्रभावी हैं और कार्यरत कर्मियों को प्रतिवर्ष के दर से ग्रेजुएटी का भुगतान, जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं उन कर्मियों को ग्रेजुएटी के भुगतान की भी बात कही गई है। राज्य सरकारों को जो है कि साथ ही साथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो 10 वर्षों से अधिक समय से सेवा में बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको जो है कि प्रतिवर्ष जो है कि ग्रेजुएटी का भुगतान भी शुरू किया जाए। महिला कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका एवं रसोईया हैं, सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में एक मुश्त दी जाने वाली 5,00,000 की राशि का भुगतान ससमय करने का जो है कि नियम और गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जो है कि जारी किया है। और साथ ही महिला कर्मी, संविदा कर्मी, आशा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के मानदेय के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि मूल मानदेय के साथ TA/DA की राशि संलग्न की गई है, वह जो है कि तमाम जो भत्ते होते हैं उसको जोड़कर मूल मानदेय के साथ भुगतान किया गया हो। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय डिपार्टमेंट ने यह पत्र मोदी कैबिनेट को प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव पर आधारित बताया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट में एक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना है, उसका सारांश जो है कि इस पत्र में दिख रहा है, इसको जो है कि बताया जा रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पिछले कुछ दिनों से महिला कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी के मामले का अध्ययन कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया हुआ था और अब उसी कड़ी में देश के सभी राज्यों के महिला कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोईया सहित आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी के वेतन के निर्धारण किया जा रहा है और अब केंद्र द्वारा जारी पत्र के आधार पर महिला कर्मियों के साथ साथ संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों को भी बड़ा तोहफा प्रदान करने की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसमें वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता सहित 7वां वेतनमान के आधार पर जो है कि कर्मियों को नया जो है कि पे बैंड और ग्रेड पे स्केल निर्धारित कर एक न्यूनतम मानदेय की दर तय की जाएगी और दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प है कि राज्य सरकारों पर इसका जवाब के रूप में क्या देती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट इन सारे प्रस्तावों को कानून का रूप देने जा रही है, जिस पर राज्य सरकारों को यह पत्र जारी हुआ है और आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट में यह पत्र जो है कि उसका जो है कि प्रस्ताव तैयार कर और उसे पारित करवा कर देश के तमाम राज्यों पर बाध्यकारी की जाएगी और जिससे जो है कि केंद्र की मोदी सरकार की जो पहल है उससे जो है कि देश सहित राज्य के लाखों संविदा कर्मियों और करोड़ों की संख्या में कर्मित, आउटसोर्स कर्मी, वर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। केंद्र की मोदी सरकार की इस बड़ी पहल का हम स्वागत करते हैं और साथ ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट नई दिल्ली के द्वारा जारी इस पत्र के आधार पर राज्य सरकारों को त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए उल्लिखित तमाम प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध करते हैं।